हेलो गाइस, मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ राजस्थानी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही गुणकारी होती है। आज हम मदिरे की रेसिपी लेके आए हैं जिसको राजस्थान का तरबूज भी बोलते हैं। आप अक्सर घर में ये रेसिपी बनाते हैं पर वो आप कच्चे लोई या कच्चे मदिरे से बनाते हैं, पर आज हम बड़े साइज के मदिरे से बनाएंगे। जी हाँ, बड़े साइज के मदिरे से। इसके लिए हमने एक मदिरा लिया है जिसको मैंने खा लिया पर कोई बात नहीं, हम आपको आज इसकी सब्जी बनाना बताएंगे जो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। लोग घर में जब भी मदिरा लेके आते हैं उसके अंदर के हिस्से को खाकर बाहरी हिस्से को फेंक देते हैं, पर अगली बार आप ये गलती ना करें। आप इनको फेंकिएगा नहीं, आप इसकी रेसिपी बनाइएगा, सब्जी बनाइएगा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही गुणकारी सब्जी बनकर तैयार होगी। हमने इस मदिरे को अच्छे से बाहर से छील लिया है और अपनी पसंद के हिसाब से आप कटिंग कर लें। हमने स्क्वायर में कट किया है। सब्जी के लिए एक मदिरा, एक मीडियम प्याज, एक हरी मिर्च और दो खट्टे काजरे लेंगे। ग्रेवी के लिए दो मीडियम प्याज, दो तीन हरी मिर्च, एक बड़ा काजरा, 10-15 लहसुन की कली और कुछ रफली कट की हुई सब्जी लेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्सी में डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे या दरदरा बना लेंगे। हमने यहाँ हल्का दरदरा इसको पीस लिया है। अभी कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने के बाद में इसके अंदर 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे के चटकने के बाद में इसके अंदर प्याज और हरी मिर्च डाल लेंगे। इसको हल्का सा भून लें। भूनने के बाद में इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। लाल मिर्च और नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद में इसके अंदर हम ग्रेवी डाल लेंगे और ग्रेवी को डालने के बाद में इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए, ऑयल को छोड़ ना दे। अच्छे से पकने के बाद में अब इसके अंदर हम कटी हुई सब्जी को डाल देंगे। सब्जी को डालने के बाद में इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा ही डालें, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हमारी सब्जी में पहले से ही भरपूर मात्रा में पानी होता है। अगर आपको ग्रेवी लिक्विड चाहिए तो आप डाल सकते हैं, वरना थोड़ा ही डालें। अब इसको ढक कर पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर पकाने के बाद में इसके अंदर हम 2 काजरे डालेंगे, छोटे साइज के काजरे, खट्टे ही लें ताकि हमारी सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो। आप काजरा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाकर अब इसको ढककर अच्छे से पका लेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहें, चेक करते रहें ताकि हमारी सब्जी नीचे चिपके नहीं। आप इसके बीच में पानी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। आप सब्जी में गरम मसाला या धनिया भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ सिंपल रखा है। हमारी सब्जी बनी या नहीं इसको हम चेक करेंगे। देखो, ये सब्जी अच्छे से कट रही है, इसका मतलब ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और सर्विंग बोल में निकाल लें। लो जी, हमारी राजस्थानी मदिरे की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसको बाजरे की रोटी के साथ चूर चूर के खाइए, बहुत अच्छी लगेगी रियल में। आप इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स वालों को जरूर शेयर करें और ख़ुद भी बनाएं। अगली बार मदिरे को फेंके नहीं खाने के बाद में, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स वालों को जरूर खिलाएं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुणकारी होता है। अगर आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।